मध्य प्रदेश के मंत्रालय से एक साथ 46 कर्मचारी रिटायर हुए हैं। 46 कर्मचारियों को डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया। मध्य प्रदेश के मंत्रालय में रिटायर्ड हुए 46 कर्मचारियों का डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने सम्मान किया। ये कार्यक्रम मंत्रालय के सामने हुआ। मौके पर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने सभी रिटायर्ड कर्मचारियों को शुभकामनाएं दी। वल्लभ भवन के आज मंत्रालय सेवा में जो लंबे समय से रहे हैं वो सेवानिवृत्त हुए हैं अधिकारी कर्मचारी 2023 में, उन सब का आज विदाई समारोह था। निश्चित रूप से नए वर्ष की सबको हमने बधाई शुभकामनाएं दी, मंगल कामनाएं की। पूरा वर्ष उनके लिए शुभ हो, मंगल हो, पूरे जीवन भर वो प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे और अपनी दिनचर्या तय करे और समाज सेवा में वो लगे रहे। वो केवल प्रशासनिक सेवा से निवृत्त हुए हैं, रिटायरमेंट हुआ है, लेकिन पूरा जीवन अपना समाज सेवा में वो लगा सकते हैं अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ। हमने यही शुभकामनाएं करी है कि आपका जीवन सुखमय हो और अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करे। व्यक्ति कभी थकता नहीं है, व्यक्ति का मन थकता है, इसलिए हमने कहा है कि आप मन को मत थकाइए और लंबे समय तक आप काम करिए और अपनी सेवाओं का लाभ प्रशासन के जो नए अधिकारी कर्मचारी हैं उनको मिले, सरकार को मिले और इस प्रदेश को और देश को मिले। बिल्कुल स्थान चेंज हुआ है, भोपाल में होती है लेकिन जबलपुर में कर रहे हैं तो थोड़ा स्थान बदल करके किया है, तो कोई विशेष कोई नया नहीं है, लेकिन वहां पर हो रही है। सरकार जो विचार कर रही है वो सब सारे विषय पर गंभीरता से विचार करेगी, उनको तो जनता ने पहले ही बता दिया है, इसलिए मुझे लगता है कि बहुत उनको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।